देश हमारा बजाय आगे जाने के बिल्कुल पीछे जा रहा है। और किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी अर्थव्यवस्था होती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो आंकड़े हैं, संसार के आंकड़े हैं, उनमें बहुत पीछे है और दिन ब दिन पीछे होती जाती है। उसका कारण ये है कि मुख्य मुद्दा जो है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, इस पर हमारी मौजूदा सरकार का कोई ध्यान नहीं है, बल्कि उसका ध्यान जो है अर्थ नीति से हटाकर और धार्मिक उन्माद पैदा करने पर है। इसलिए वो मुख्य मुद्दे जो हैं आदमी के, रोजी रोटी की, उनकी उनके कैसे जीवन डेवलपमेंट हो, इसके उसकी तरफ कोई भी नहीं। सीधी सी बात है कि दो सिस्टम है, एक और जो आप ये कहिएगा कि पूरी पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी आय है, हमारी आमदनी है, हमारे देश की जो आय है, वो कुछ घरानों में कॉरपोरेट घरानों तक नियमित है, उनका दिन दूना रात चौगुना उनकी जो है वो आय बढ़ती चली जा रही है, और एक तरफ जनमानस है जिसकी आय जो है औसत घटती चली जा रही है। तो ये जो ना बराबरी का के हालात हैं, इस नाबराबरी के हालात में जो है देश की प्रगति जो है वो किसी हालत में मुमकिन नहीं है। कॉरपोरेट घरानों को किसमें निशाना, अंबानी की पिछले रिकॉर्ड्स देख लीजिए, अडवाणी के पिछले रिकॉर्ड्स देख लीजिए, इन लोगों की जितने भी कॉरपोरेट उनकी बढ़ी है, किस कॉरपोरेट घराने की जो है वो स्टैटिक्स बताती हैं कि घटी है। अगर उनकी घटी है तो आप कह सकते हैं कि वो टारगेट पर हैं, और अगर उनकी बढ़ती चली जा रही है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो है वो जो है वो तो बढ़ रहा है बैंकों का। अब देखिए ऐसा है कि ये बात अपने यहाँ पर होती है कि जो भी सरकार होती है उसके कुछ खास कैपिटलिस्ट घराने होते हैं, कॉरपोरेट घराने होते हैं, कुछ जो है वो उनको पसंदीदा नहीं होते हैं इसलिए कि पॉलिटिकली वो दूसरे के होते हैं। जैसे कांग्रेस के पास भी जो है वो कैपिटलिस्ट घराने रहे हैं, कॉरपोरेट घराने, बीजेपी के पास, तो जो उनके साथ लगे रहे होंगे वो इनके लिए जो है वो दुश्मन बनेंगे, और जो उनके साथ नहीं रहे वो, इसी वजह से हर हर रेजिम में आप देखिएगे कि अलग अलग कॉरपोरेट घराने जो हैं उनकी जो है वो पूछ ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा फेवर किया जाता है, वो ज़्यादा बढ़ती है। आप हमें बताइए कैसे तरक्की हो रही है देश की, कैसे है? आप तो आम आदमी का जीवन जो है वो कष्टमय होता चला जा रहा है भाई। एक तरफ 100 लोगों में 99 लोग हैं और एक तरफ 100 लोगों में एक आदमी है। एक आदमी बहुत खुशहाल है, लग्जरियस जीवन व्यतीत कर रहा है, और 99 आदमी जो हैं वो खाने के लिए तरस रहे हैं, तो इसको आप तरक्की कहिएगा? आज जो आम आदमी है उस आदमी का जीना जो है दूभर हो गया, ना तो उसको एजुकेशन मिल रही है, ना तो उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है। जितने भी सरकारी थे, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, उनको आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो सरकार वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का मतलब तो ये होता है कि वो आम जनता, आम लोगों की भलाई का काम करेगी। आप आम लोगों की भलाई का काम न करके कुछ लोगों की भलाई का काम करते हैं। कहने के लिए तो सब कुछ कह देता है, लेकिन जब करनी पर आता है तो वो करनी दिखाई नहीं देती। ग्रास रूट लेवल पर आप देखिए, आप लोग तो तमाम घूमते रहते हैं, देखते हैं कि क्या दशा है, क्या यहाँ का आदमी आप संतुष्ट हैं कि खुशहाल हैं? कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो है उसको जो है वो दो वक्त की रोटियाँ मिलना मुश्किल हो गई है भाई। कंफर्टेबल लाइफ, एक जीवन में आरामदेह ज़िंदगी जीने का तो हर आदमी को अधिकार है,
मानव अधिकार है कि वो कंफर्टेबल रहे, लग्जूरियस लाइफ नहीं लेकिन क्या कंफर्टेबल लाइफ में कोई है? उसकी बेयर नेसेसिटीज़ जो हैं ज़िंदगी की जो हैं वही नहीं पूरी हो रही हैं, जितना वो देते हैं उतना भी सफिशेंट है। और हर चीज़ की नियत होती है, एक मेन चीज़ जो है वो किसी भी काम करने की उसकी नियत होती है, इंटेंशन होता है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन उन्होंने कब दिया? जब उनको वोट लेना हुआ। इलेक्शन के पहले इधर जो है उन्होंने जो कुछ भी दिया वो इलेक्शन के पर्पज़ से वोट लेने के लिए दिया, इस पर्पज़ से नहीं दिया कि लोगों का जो है वो पेट भर जाएगा। इसलिए दिया है कि अगर ये हम लालच दे देते हैं थोड़ा सा गरीब आदमी को तो इनसे हमारा वोट मिल जाएगा। तो मेन चीज़ है नियत, नियत इनकी ठीक नहीं। नियत अगर इनकी ठीक होती तो फिर तो ये तो सरकार ही अच्छी हो। मैंडेट की जहाँ तक की बात है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इमोशनल नारे जो होते हैं, जज्बाती नारे जो होते हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे वो मुसलमानों के, वो बहुत जल्दी जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। और यही चीज़ जो है वो यहाँ पे भी हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये है कि ये जो धार्मिक नारों की बेसिस पर कुछ वोट मिले हैं और कुछ वोट जो है वो बेईमानी से मिले हैं, यानी ऑनेस्टली यहाँ का कोई इलेक्शन हुआ नहीं है। जो भी इलेक्शन हुए हैं भाई, इलेक्शन कराने के लिए जो कोड है, कोड तो ये है ना कि आप किसी तरह की लालच नहीं दीजिएगा, आप किसी तरह का जो है दुष्प्रचार करके धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट नहीं लें। लेकिन आप खुद देखते हैं कि ये सारे जिन चीज़ों के लिए मना किया गया वही सारे प्रयोग होते हैं, शराब बढ़ती है, पैसे पहुँचाए जाते हैं। तो ये फेयर इलेक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट ए फेयर इलेक्शन, बल्कि इन द गार्ब ऑफ द डेमोक्रेसी जो है ये, इन द गार्ब ऑफ द डेमोक्रेसी जो है ये एक डिक्टेटरशिप की जो है वो राजनीति हो रही है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो सिवाय कम्युनिस्ट पार्टीज़ के अलावा किसी में भी जो है वो ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि वो सामने आके जो है उसका मुकाबला, स्ट्रगल जो है वो फेस टू फेस करें। वो भी कुछ जो है वो लिबरल जो है वो अपना जहन रखने की वजह से, ये जो है वो जितनी स्ट्रांगली उनको करना चाहिए उतना स्ट्रांगली वो अपोज नहीं कर सकते। खाली ये सवाल नहीं है, खाली यहाँ ये सवाल नहीं है हिंदू मुसलमान का, सवाल यहाँ ये भी है कि जो यहाँ के अपर कास्ट और जो यहाँ का जो है वो बैकवर्ड है, जो यहाँ का शेड्यूल कास्ट है, जो जिसकी मेजॉरिटी है और जो मतलब ये है कि उनकी उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा जो है वो अंतर है। ये अंतर क्यों है? इसी अंतर को ख़त्म करने के लिए संविधान में अम्बेडकर ने ये तमाम सारे जो है वो संविधान ऐसा बनाया था कि जिसमें हर आदमी को, भारतवर्ष के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, और जो लोग दबाए गए हैं एक ज़माने से उनको जो है वो समय मिले और उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिले कि वो बराबर के लेवल में आ सके। लेकिन क्या एक्चुअली यहाँ पर ये हो पा रहा है कि नहीं? आज भी अम्बेडकरवादी लोग जो हैं वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनकी भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। भाई यहाँ का एक्चुअली हम लोग जो है कम्युनिस्ट लोगों में ये नहीं है कि हम धर्म या जात की राजनीति करते हैं, लेकिन एक बात तो है कि हमारी जो है वो वर्ग संघर्ष में हम विश्वास करते हैं। दो ही वर्ग हैं, एक वर्ग तो है अमीरों का वर्ग है, एक वर्ग है गरीबों का, एक है मेहनत कशों का वर्ग और एक है मेहनत कशों की मेहनतों की लूट का वर्ग, यही दो वर्ग हैं। अब चूंकि यहाँ की परिस्थिति भारतवर्ष की ऐसी रही है कि एक बहुत बड़ा तबका यहाँ का इंसान मनुष्य जो इस देश का है वो इतना ज़माने तक एक्सप्लाइटेड रहा है, जिसके कान में जो है वो आपने शीशा पिला दिया है, जिसको मंदिर में जाने की आपने जाने, अरे भगवान तो सबका भगवान है, जैसे ब्राह्मण का भगवान है वैसे उसका। लेकिन आज हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है घुसने नहीं दिया गया मंदिर में, तो क्या है ये, क्या है इसको ये क्या बताता है? यानी इंसान को इंसान न समझ के इंसान को जानवर और इंसान में फर्क किया जा रहा है,
तो ये चीज़ जो है इसको जो है बारीकी से देखने की चीज़ है। देखिए अपर कास्ट जब डिक्लासीफाई कर लीजिए आप, अपर कास्ट अगर डिक्लासीफाई अपने को कर लेता है तो ठीक है। बहुत सारे मैं आपको बताऊं, खाली उन्हीं का सज्जाद जहीर, सर वजीर हसन साहब जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ अवध कोर्ट के थे, उनके लड़के, उनके दो लड़के थे, एक अली जहीर थे और एक सज्जाद जहीर थे। अली जहीर जो है वो कांग्रेस में थे और वो बाद एटला थे, सज्जाद जहीर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे। सज्जाद, अब आप कहिए कि चूंकि वो बड़ी बड़े बड़े परिवार के थे तो वो कैसे, उन्होंने अपने को डिक्लासीफाई किया, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हम गलत हैं, हम भी इंसान हैं और हमारे साथ जो घर में हमारा नौकर है वो भी इंसान है, तो उन्होंने इंसान के साथ इंसानियत का ट्रीटमेंट किया। तो बड़ी जात में होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी जात की मानसिकता क्या है ये इम्पोर्टेंट। तो अगर कहा जाता है भारत में जाति वो है जो जाति नहीं है कभी, अब वो तो ऐसा असल में ऐसा है कि जाति तो एक ज़माने से चली आ रही है, इसलिए नहीं जा रही, जाना तो इसको भी है, एक दिन जाएगा, जिस दिन साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाएगा, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो जाएगी, उस दिन जात भी चली जाएगी, इंटर रिलीजन मैरिज भी होगी, इंटर कास्ट मैरिज भी होगी, और लेकिन उसमें काफ़ी समय लगेगा।